गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका लैंग्वेज ट्रेनर राजेश शर्मा आप लोगों के सामने हाजिर हूं हमारे नए टॉपिक को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मींस बातचीत। लेकिन इससे पहले मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात करूं, मैं हार्दिक धन्यवाद पे करना चाहूंगा हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी फ्रेंड्स को जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस को इतना लाइक किया, इतना शेयर किया, इतना प्यार देने के लिए, थैंक्स अ लॉट। आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। मींस कोई भी मैसेज हमें जब कन्वे करना होता है किसी को, तो इस मैसेज को कन्वे करने के दरमियान कितने सारे पॉइंट्स होते हैं। पहले वाला पॉइंट आपके सामने है स्पीकर। जब कोई भी मैसेज कन्वे किया जाता है तो मैसेज को कन्वे करने वाले को हम लोग स्पीकर कहते हैं। द स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड स्पीकर। उसके बाद है इनकोडिंग। मैसेज को बनाया जाता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है कि वो सामने वाले के माइंड में सेट हो जाए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। आफ्टर दैट लिसनर इज देयर। कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए जरूरी है कि एक बात को कहने वाला है तो दूसरा उसको समझने वाला है, ही इज कॉल्ड लिसनर। उसके बाद डिकोडिंग मींस उस मैसेज को समझा जा रहा है कि स्पीकर का कहने का क्या मतलब है। आफ्टर डिकोडिंग फीडबैक इज देयर। अगर वो सामने वाले को हमारा मैसेज अच्छे तरीके से समझ आया है तो ही वो हमें फीडबैक देगा। और जब हमें फीडबैक मिलेगी तब ये मानना दोस्तों कि हमारा मैसेज बिल्कुल सक्सेसफुल है। अगर फीडबैक नहीं मिली तो इट मींस इट्स अ बिग फेलियर। तो इस मैसेज को कन्वे करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जैसा मैंने बताया स्पीकर मैसेज को इनकोड करेगा, एंड इनकोडिंग मींस मैसेज को बनाना। इस पॉइंट के दौरान आपको ख्याल रखना होता है कि आपको मैसेज कुछ ऐसे तरीके से बनाना है कि जो लिसनर है उसके माइंड में ये बात चली जाए कि कहने वाले का मतलब क्या है। इस चीज के दौरान हम लोग जो गलतियां कमिट करते हैं, जो मिस्टेक्स कमिट करते हैं वो कौन सी हैं? पहली चीज है लैंग्वेज। अगर मैं ऐसे लैंग्वेज में आपसे बात करता हूं जो आप समझ ही नहीं सकते तो इट मींस ये किसकी मिस्टेक है? इनकोडिंग, स्पीकर की इनकोड करने की मिस्टेक है। मुझे आपसे आपका हालचाल पूछना है और हालचाल पूछने के लिए मैं ऐसे लैंग्वेज यूज करता हूं जो आपके सबसे ऊपर है। इट इज रियली अबव योर हेड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। और मैंने आपसे सिंपली पूछा कोमा तालेगु मींस व्हाट्सएप, और ये फ्रेंच लैंग्वेज है। लेकिन आप लोग कोमा तालेगु समझ ही नहीं सकते तो क्या आप मुझे कोमा तालेगु का जवाब दे पाओगे? शायद नहीं। तो इसलिए ये चीज मैटर करते हैं कोडिंग करते टाइम, हमें लैंग्वेज एक ऐसी चूज करनी चाहिए जो सामने वाला अच्छे तरीके से समझ पाए। उसके बाद चीज मैटर करती है वो है आपकी स्पीड। अभी मैंने आपसे बातचीत करनी है और मेरी स्पीड को जरा गौर करिएगा। मैं आपसे बातचीत करता हूं तो इतनी स्पीड से मैं बातचीत करता हूं कि आप उसको समझ ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक बात बोली लेकिन स्पीड इतनी थी कि आप लोग समझ ही नहीं पाए, तो शायद मेरा वो मैसेज देने का, वो कम्युनिकेट करने का पर्पस है वो एक फेलियर है। आफ्टर दैट ये डिपेंड करता है लिसनर के ऊपर। अभी ऐसा नहीं है, स्पीकर ने अपना काम अच्छा किया, उसने इनकोड एक अच्छी लैंग्वेज में किया, बड़े ही आराम से किया। लेकिन अगर ये लिसनर की मिस्टेक है, लिसनर की मिस्टेक कहां होती है? लिसनिंग स्किल्स में। यानी कि जो लिसनर है उसके पास इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स नहीं है तो वो इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। और लिसनिंग स्किल्स के लिए मैं अपने एक और वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा व्हाट इज लिसनिंग स्किल्स। तो अगर उसका ध्यान नहीं था आपकी तरफ, या वो आपके लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, या उसका उसने इस चीज को समझने की ट्राई नहीं की, उसका ध्यान कहीं और था, आपकी बात को बड़ी ही गहराई से वो नहीं सुन रहा था, वो फिजिकली तो प्रेजेंट था लेकिन मेंटली वो कहीं और था, इट मींस ये मिस्टेक थी लिसनर की। अगर उसने मिस्टेक की तो ऑब्वियस है वो इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब नहीं निकाल पाएगा, और जब वो इसको डिकोड नहीं कर पाएगा तो फीडबैक नहीं दे पाएगा। इट मींस जो मैसेज स्पीकर ने दिया वो टोटली अ बिग फेलियर है। इसलिए कभी भी आपने मैसेज कन्वे करना है तो बी केयरफुल। जो स्पीकर है उसको ऐसे लैंग्वेज में बोलना है जो सामने वाला समझ पाए, बड़े ही आराम से बोलना है, उसकी जो बोलिंग स्पीड है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। लिसनर को भी केयरफुल होना चाहिए अच्छे तरीके से। जब कोई भी स्पीकर बात कहता है तो उसको बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, ना सिर्फ आंखों से बल्कि कानों से, ना सिर्फ कानों से बल्कि आंखों से। यानी कि उसको एक आई कॉन्टेक्ट भी बनाना चाहिए और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, मेंटली भी वहां पर प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर वो मेंटली प्रेजेंट है तो वो डिकोड कर पाएगा तो वो क्या कर देगा? फिर फीडबैक देगा, और फीडबैक इज देयर देन मैसेज इज सक्सेसफुल। अभी
मैंने आपसे मंगवाना है पानी, और किसी ऐसे लैंग्वेज में मैं आपको कहता हूं कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो जो लैंग्वेज आपके समझ से बाहर है तो शायद पानी नहीं आएगा। सो मेरी भी मिस्टेक है, समझने वाले की मिस्टेक है। सो इस चीज का ख्याल रखना, मैसेज जब आपने कन्वे करना है तो इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखना। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे डू लाइक इट, डू शेयर इट। फिर से मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। फॉर द टाइमिंग थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस टाइम।